मैं देखा हूँ 15वां ओवर जो था ना बुमराह का, जिसमें पहली गेंद पे विकेट आया, फिर डॉट, फिर डॉट, फिर एक रन, फिर दो रन, फिर डॉट, और 3 रन और एक विकेट। 15वां ओवर दोस्तों, 3 रन और एक विकेट, ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट है जो बुमराह ने गेंद डाला था, क्योंकि वहां पर विकेट भी आना और रन भी कम देना, वहीं से पूरा मोमेंटम ही चेंज हो गया। क्योंकि 14 ओवर में तो 80 बना चुका था पाकिस्तान, वही उनके 4 ही आउट थे, वहां से तो जीत जाते आराम। सारे कोलैप्स कर गए थे, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो नीचे से उस्मान खान हो, फखर जमा हो, सारे कोलैप्स कर गए थे। बट मोहम्मद रिजवान का विकेट लेना एक बहुत बड़ी चीज थी। 31 रन रिजवान ने बनाए थे, 44 गेंदों का सामना किया, 70 का स्ट्राइक रेट था इनका। अच्छे सेट में सेट लग रहे थे, अच्छा लय पकड़ ली थी, लेकिन बावजूद इसके बुमराह ने इनको आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज 4 ओवर 19 रन इन्होंने दिए हैं, 19 रन लुटाए हैं, एक भी विकेट इन्होंने नहीं बिल्कुल पाया। इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि भले उनको चौका भी पड़ा, लेकिन यंगस्टर का होना, लास्ट ओवर डालना, वर्ल्ड कप का बड़ा मैच, लास्ट ओवर बहुत बड़ी चीज है, प्रेशर को सोक करा। और अर्शदीप सिंह ने एक भी वाइड नहीं डाली, एक भी नो बॉल नहीं डाली, ये अर्शदीप सिंह के लिए अच्छी बात है। क्योंकि एशिया कप में हम सबको याद है कि रोहित शर्मा उनपे चिल्ला गए थे जब एशिया कप में अर्शदीप सिंह वाइड डाल रहे थे, नो बॉल डाल रहे थे। 19वां ओवर अर्शदीप सिंह को दिया गया था उस टाइम पे, पर इस बार 20वें ओवर को बिल्कुल लेकर आए हैं और जबरदस्त तरीके से प्रेशर को सोक कराए। बट जसप्रीत बुमराह जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। उतनी कम है, 4 ओवर में सिर्फ 14 और 3 विकेट। भाई कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा जो टीम इंडिया की जो बॉलिंग यूनिट है उन्होंने कमाल कर दिया, क्योंकि 119 रन डिफेंड करना, और इस मैदान पर जब सामने देखा था 81 गए थे, 80 बन गए थे दोस्तों, सिर्फ 40 रन ही तो चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के लिए। अगर वो भी इंडिया रोक लेता 6 ओवर में, इससे बल्ले बल्ले क्या हो सकती है मैच। बिल्कुल, और इतना छोटा टोटल 119 का आप डिफेंड कर रहे हो इस मैदान पे। ठीक है, एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कोलैप्स हो गई है पाकिस्तान की टीम, लग आपके चांसेस 8 से 9% हो गए थे जीतने के, लेकिन सडनली बुमराह आते हैं और छा जाते हैं, मैदान में छा जाते हैं। बुमराह जैसे आते हैं जोश आ जाता है टीम इंडिया के फैंस के अंदर भी और सभी खिलाड़ियों के अंदर भी। हार्दिक पांड्या के स्पेल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त स्पेल डाला, रोहित शर्मा ने उनको गोदी में उठा लिया था, कंधे पे उठा लिया था। एक वो भी चीज है कि यार रोहित शर्मा ने कंधे पे उठा लिया था, जो कि मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान, और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान है, तो दोनों के बीच में जो हमें आईपीएल में तकरार देखने को मिली थी, आज वो समाप्त हो गई। जैसे आप इंडियन जर्सी पहनते हो, नेशनल ड्यूटी पे होते हो, तो आप एक अलग ही इंसान, एक अलग ही खिलाड़ी बन जाते हो। और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को उठाया, वो बड़ा ही क्यूट मोमेंट, स्वीट मोमेंट देखने को मिला। मोनू, ऐसा ही मोमेंट हमें एमसीजी जब विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली थी उस टाइम पे, तब हमने देखा था कि रोहित शर्मा ने विराट को उठा लिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, आज रोहित शर्मा ने पांड्या को उठा लिया, तो ये बॉन्ड देख के अच्छा लगा, ये दोस्ती फिर से पनप रही है, ये देखो यार अच्छा अखिल जी भी इस बात से सहमत हो गए भाई, बहुत सारे लोग आप भी हो गए भाई, जो हिंदुस्तान है ना, लगा। जहां पर भारत आ जाए सब चीजें खत्म हो जाती है। आईपीएल आईपीएल एक अलग चीज है यार, वो इंडियन प्रीमियर लीग है, लेकिन हिंदुस्तान के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे पाकिस्तान के साथ मुकाबला हो, और क्यों ना उठाएं भाई हार्दिक वर्सेस रोहित, हम कहते हैं ना यही तो अच्छी दोस्ती है, सच्ची दोस्ती है, वो आज हमें नजर भी आया वैसे पता अखिल जी। बिल्कुल नजर आया, और हम तो चाहते हैं यार ये दोस्ती बरकरार रहे। आईपीएल अलग चीज, आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। इंडियन टीम जब आप ये वर्दी पहनते हैं ना, है जर्सी लेकिन मोमचल वर्दी बोलते हैं, लेकिन जब आप ये वर्दी पहनते हैं ना, तब आपका रुतबा अलग होता है, आपके दिलो दिमाग की अलग चीज होती है, आपको लगता है कि यार ये पहनना बहुत गर्व की बात है। हम जब पहनते हैं हमें इतना अच्छा लगता है कि यार हमने इंडिया की जर्सी पहनी है, वो तो पहनते हैं, देश के लिए उतरते हैं, खेलते हैं, वो वाकई में एक दिल होता है, एक जान होती है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जब तक यूनिटी नहीं आएगी, वो आयरलैंड से भी हारेंगे, कनाडा से भी हारेंगे, यूएसए से भी हारेंगे, सबसे हारेंगे। वही हाल मुंबई इंडियंस का हुआ था, वही हाल पाकिस्तान का हो रहा है, और वो देख लीजिए टीम इंडिया की यूनिटी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी कि आज हम ये मैच 6 रन से जीते। और बिल्कुल, और अक्षय जी हमें कहते भी तो है ना कि क्रिकेटर्स ने, मैंने सुना भी है, जब नेशनल एंथम बजता है ना तो वहां पर पूरी सारी तीनों रंग मिल जाते हैं इंडिया के, जो हम तिरंगे में देखते हैं, और यही तो इंडिया की शान, आन बान और शान है, जो हमें बिल्कुल टीम में नजर इंडिया लीग स्टेज में अच्छा खेली है। ओडिया वर्ल्ड कप लास्ट ईयर वाला जो वर्ल्ड कप है, उसमें भी लगातार 10 मैच जीतना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हार जाना बड़ी चीज थी। इस बार भी उम्मीद ये करेंगे कि लीग स्टेजेस अच्छा खेले, उसके बाद सुपर 8 में जाए, वो भी अच्छा खेले, सेमीफाइनल्स फाइनल्स प्लीज इस बार ट्रॉफी उठा ले, क्योंकि तो लग रहा है इस बार इंट्यूशन आ रहे हैं कि शायद ऐसा चीजें हो सकती है। रोहित शर्मा का आखिरी T20 वर्ल्ड कप है यार, एक ट्रॉफी के साथ तो उनको विदाई करनी पड़ेगी उनके। और बाबर आजम देखिए क्या ही बात करेंगे इनके बारे में, खैर 13 रन इन्होंने बनाए हैं, 10 गेंदों का सामना किया, 130 की स्ट्राइक रेट के साथ, 2 मामूली से इन्होंने चौके लगाए हैं, बाउंड्री लगाने की कोशिश करी थी इन्होंने, बिल्कुल तो
तो बाबर आजम का मुंह रोता हुआ था जब हम लास्ट में देख रहे थे, बाबर आजम डगआउट में बैठे हुए अपने ही आप से बड़बड़ा रहे थे, फखर जमा इनको बोलते हैं ऊपर खिलाओ, नीचे भी है कुछ खास जो है कर नहीं पाए, 13 रन बनाए इन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और बहुत ज्यादा 162 की स्ट्राइक रेट के साथ बोला ना हमारे कप्तान 13 बनाएंगे तो मैं भी 13 बनाऊंगा। सही बात है, देखिए कप्तान से कंधे से कंधा मिला के मोहम्मद रिजवान ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली थी, बट श्रद्धा पांडे में है ना अखिल जी से चाहे पूछने की कोशिश करते, बट मैं अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई रिजवान से बड़ा अपसेट होंगे लोग, कि उनको एक स्टार्ट मिल चुका था जो मिलना चाहिए ना किसी बैट्समैन को, वो सेट हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर वही बैट्समैन रन बनाएगा जो अच्छा पहले सेट हो जाए। तो रिजवान अब देखिए, अब मैं रिजवान के अगर स्टैट्स दिखाऊं आपको दोस्तों, 44 बॉल खेल चुके हैं 44 गेंदें और 31 रन बना चुके 31 बॉल और वो पूरी तरीके से सेट है, लेकिन ये मैच फिनिश करके आना चाहिए था रिजवान को। मैं अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो मैं इंडिया के लिए बोलता ऐसा ही कोई बल्लेबाज होता और जो मैच फिनिश ना करके आए तो आई थिंक हार का ठीकरा उसी को फोड़ा जाना चाहिए। मैं कहता हूँ रिजवान इस मैच के कहीं ना कहीं हार के जिम्मेदार हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग इस तरीके का हाल हुआ है भाई इनके लिए तो अब कोच जरूर है गैरी क्रिस्टन, लेकिन भारत के सामने तो भाई चारों खाने चीती रहेगी। और आज भी मुझे लग रहा है एक्चुअल में गैरी क्रिस्टन नहीं आएंगे क्योंकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बाबर आजम नहीं आए थे, जबकि कप्तान को आना चाहिए था। बाबर आजम किस चीज से डर रहे हैं, किस चीज से बच रहे हैं, गॉड नोस। बट आज भी मुझे लग रहा है गैरी क्रिस्टन नहीं आएंगे क्योंकि बाबर आजम क्या, मतलब बाबर आजम दूसरों को फेस करने की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती, बोलेंगे क्या किस पे हार का ठीकरा फोड़ेंगे आज अपने बल्लेबाजों पे, अपने गेंदबाजों पे, आज किस पे हार का ठीकरा फोड़ेंगे ये देखना पड़ेगा, किसको ब्लेम डालेंगे। फिर कल को हमें ड्रेसिंग रूम के अंदर तस्वीर आएगी जब बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी भी देखने को मिलेंगे, कोलैप्स होते हुए देखने को मिलेंगे ड्रेसिंग रूम से। तो पाकिस्तान की पुरानी कहानी है, आज की नहीं कल की पुरानी कहानी है, लेकिन एक चीज मुझे बुरी लग रही है पाकिस्तान के लिए कि कल भी बेचारों का डिनर कैंसिल हो गया, आज भी डिनर कैंसिल हो जाएगा और अभी तो डिनर तो बहुत दूर की बात है, अभी तो लंच भी है, शाम की चाय भी है क्योंकि अभी तो न्यूयॉर्क में दिन निकला है, अभी तो दोपहर हुई है, 1-2 बजे है, यानी कि लंच भी गया, शाम की चाय भी गई, वो बिस्कुट वगैरह जो मिलती है, बिस्किट नमकीन भी गई, रात का डिनर भी गया है। यार आजम खान मुझे बड़ी दया आ रही है, इंजेक्शन लेके दवाइयां लेके मैदान पर उतर रहे थे तो नहीं पाए, बट आजकल की दुख कोई होगा कि मोहम्मद रिजवान सेट होकर आउट हो, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान आखिरी तक रहते तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया हार जाती, मे भी पाकिस्तान जीत जाती, पर ऐसा नहीं है, मोहम्मद रिजवान को बुमराह ने आउट कर दिया। यार बुमराह जब भी हमारे पास तकलीफ होती है बुमराह के पास देखा, इसीलिए कप्तान ने उनके ओवर्स बचा रखे थे, हम सबको गुस्सा आ रहा था कि बुमराह को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे, बुमराह को क्यों नहीं ला रहे यहाँ पे, पर कप्तान ने यहाँ पे अच्छी स्ट्रेटेजी खेली, राहुल द्रविड़ की स्ट्रेटेजी हो गई या फिर कप्तान की रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी कि रोहित बुमराह को ओवर आखिरी तक बचा के रखा और उस बल्लेबाज के सामने बुमराह को इंट्रोड्यूस करवाया जो ऑलरेडी सेट हो चुका था। तो रिजवान को जी हां टॉप पर आ गए मोनू पॉइंट्स टेबल में, टॉप पर पहुंच चुकी है, टॉप की टीम टॉप पर अच्छी लगती है और बॉटम की टीम बॉटम ही अच्छी लगती है यार। पाकिस्तान कनाडा से भी नीचे है, मतलब हद हो गई, यूएसए भी उनसे ऊपर आ गई है, यूएसए नंबर 2 पे है, कनाडा नंबर 3 पे है, पाकिस्तान शान से बैठा हुआ है नंबर 4 पर, खोखो ताली खोखो ताली। और कहते हैं कि